सो हे वेलकम बैक टू चैनल गाइज एंड ऑल्सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। सो गाइज आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मारुति सुजुकी सिलेरियो ZXi वेरिएंट। तो देखते हैं इस गाड़ी में आपको इस वाले वेरिएंट में क्या क्या आपको फीचर्स ऑफर करता है मारुति। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइज अगर हम की के बारे में बात करें, आपको इसमें सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, इसमें आपको लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो एंड फिजिकल की मिल जाती है। ऐसा है कुछ गाड़ी का हेडलैम्प जो कि है हैलोजन एंड यहाँ पर इंडिकेटर्स, यहाँ पर पूरी क्रोम फिनिश। नीचे आपको फॉग लैंप्स की प्लेसमेंट दी गई है, बट आपको फॉग लैंप्स नहीं ऑफर होते हैं, आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। एंड ऐसी कुछ आपको ग्रिल मिल जाती है मारुति सुजुकी सिलेरियो की, यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है एंड ऐसा कुछ ग्रिल पैटर्न है, ये रेडिएटर ग्रिल। तो फ्रंट साइड से गाड़ी कुछ ऐसी लगती है। एंड अगर हम आ जाएं साइड प्रोफाइल की तरफ तो गाड़ी में आपको मिल जाते हैं 14 इंचेस के स्टील रिम्स एंड ऊपर व्हील कैप्स भी आपको मिल जाते हैं। इंडिकेटर आपको और ORVMs पर ही मिल जाते हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड रियर साइड से कुछ गाड़ी ऐसी लगती है। ऐसे आपको कुछ टेल लैंप्स मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स एंड रिवर्स का ऑप्शन। एंड इसमें आपको रियर वाइपर एंड डिफॉगर भी मिल जाता है एंड हाई स्टॉप लैंप। यहाँ पर सुजुकी का लोगो एंड सिलेरियो की बैजिंग एंड यहाँ से आप बूट अनलॉक कर सकते हो। तो ये यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन हो रहा होगा कितने लीटर्स का आपको बूट मिल जाता है इसमें। यहाँ पर आपको रियर पार्सल ट्रे भी दी गई है एंड अगर हम यहाँ पर आपको मिल जाता है स्पेयर व्हील, 14 इंचेस का आपको यहाँ पर स्टील रिम मिल जाता है स्पेयर व्हील में एंड यहाँ से आप पकड़कर बूट बंद कर सकते हो। यहाँ पर आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। रियर साइड से कुछ गाड़ी की साइड प्रोफाइल ऐसी लगती है। यहाँ पर फ्यूल लिड, यहाँ से आप अपना पेट्रोल भरवा सकते हो एंड ये मिल जाता है आपको एंटीना। सो अभी हम देखते हैं ड्राइवर साइड का डोर की तरफ आपको क्या मिल जाता है। ड्यूल टोन इंटीरियर मिल जाता है आपको इसमें एंड ड्राइवर साइड के डोर की तरफ यहाँ पर अनलॉक करने का ऑप्शन, यहाँ पर सिल्वर फिनिश, यहाँ पर आपको पावर विंडोज एंड साइड ORVMs के कंट्रोल मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर स्पेसिंग मिल जाती है थोड़ी सी एंड यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट। बाहर से गाड़ी का इंटीरियर कुछ ऐसा लगता है। तो आइए अभी हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं। गाइस ऐसा कुछ आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है जिसमें यहाँ पर सुजुकी का लोगो एंड यहाँ पर पूरी सिल्वर फिनिश। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं एंड यहाँ पर फ़ोन आप उठा सकते हो, काट सकते हो। ऐसा आपको कुछ इसका स्पीडोमीटर मिल जाता है। अगर मैं आपको जो ये हमारी फिजिकल की है अगर मैं इंसर्ट भी कर दिखाऊँ इग्निशन ऑन कर, तो ये ऐसे आपको कुछ स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहाँ पर आपकी फ्यूल कैपेसिटी शो होगी एंड यहाँ पर रेंज टाइम एंड यहाँ पर फुल स्पीड आपकी शो होगी एंड यहाँ पर वार्निंग लाइट्स दी गई हैं एंड यहाँ पर आपकी RPM शो होगी। सो गाइस साइड में आपको यहाँ पर राउंड शेप AC वेंट्स मिल जाते हैं एंड मिडल में आपको यहाँ पर ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पर चारों इंडिकेटर्स ऑन करने का ऑप्शन। यहाँ पर ये आपको मिल जाता है ब्लूटूथ स्टीरियो एंड यहाँ पर आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड नीचे की तरफ आपको यहाँ पर 12V का पावर सॉकेट एंड USB एंड ऑक्स लगाने का ऑप्शन। यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत स्पेसिंग मिल जाती है जिस पर आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो एंड ऐसा आपको कुछ गियर नॉब मिल जाता है। यहाँ पर कुछ सिल्वर फिनिश एंड ब्लैक फिनिश दी गई है। गियर नॉब मुझे देखने में ना काफ़ी बढ़िया लगा है एंड यहाँ पर आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं दो। ऐसी कुछ गाड़ी की हैंड ब्रेक है एंड यहाँ पर क्रोम टिप, यहाँ पर भी अगेन स्पेसिंग। तो ऐसा आपको कुछ ग्लव बॉक्स मिल जाता है गाड़ी में, तो जिसमें आपके गाड़ी के पेपर्स आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। डिसेंट स्पेसिंग का आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है
एंड ड्राइवर साइड की तरफ आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। को पैसेंजर साइड की तरफ आपको वैनिटी मिरर ऑफर होता है। एंड यहाँ पर यह है कैबिन लाइट जो कि आपको हेलोजन मिल जाती है। यह है आपका रियर व्यू मिरर मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ। तो ऐसा आपको कुछ सीट्स पर पैटर्न मिल जाता है। एंड आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको चारों तरफ। आपको यहाँ पर एडजस्टेबल नहीं कर सकते आप। एंड यहाँ ये पकड़ने के लिए, तो आइए अभी हम देखते हैं रियर साइड की तरफ। रियर साइड का डोर आपको कुछ इस तरीके का मिल जाता है। यहाँ पर आपको पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पर आपका डोर अनलॉक करने में सिल्वर फिनिश में अगेन। एंड यहाँ पर बॉटल होल्डर मिल जाता है। एंड यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट। तो आइए अभी हम बैठकर देखते हैं कि रियर साइड में कैसी आपको स्पेसिंग मिल जाती है। तो हाँ, स्पेसिंग आपको बढ़िया मिल जाती है। आप चार जने बैठकर आराम से ट्रैवल कर सकते हो। एंड अगर हम बैक साइड से इसका डैशबोर्ड देखें तो कुछ आपको इस तरीके का व्यू आएगा। बहुत सुंदर लग रहा है यार इसका डैशबोर्ड। पर्सनली ना मुझे इसका गियर नॉब बहुत बढ़िया लगा, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। एंड इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना नमरीत सिंह यूट्यूब चैनल को, एंड बेल आइकन ऑन कर देना ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।